हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले उड़द की दाल को एक दिन पहले भिगो देंगे, उसके बाद दूसरे दिन इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसमें मैंने चिरौंजी और सौंफ डाले और ये मसाले हैं हींग, जीरा, भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, ये सब डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसको चेक करने के लिए पानी में थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर तैरने लगेगा इसका मतलब बैटर रेडी है। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद तेल को मैंने ऑयल लिया है, इसको गर्म कर दिया अच्छे से। उसके बाद सारे बड़े इसमें मैं डालूंगी और उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दूंगी। अब स्लो गैस पे ही हमें इन बड़ों को तलना है, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पे तलेंगे तो बड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इस तरह से हम इसको उलट पलट करके पकाएंगे ताकि चारों तरफ से बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरीके से बड़े तैयार कर लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको दही कैसा इसके लिए रेडी करना है, जिससे कि इसका बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। दही लेंगे, गाढ़ा दही लेना है हमें, गाढ़ा और ठंडा दही लेना है। उसके बाद जब तक ये बड़े मैं निकाल रही हूँ, इन बड़ों को निकाल के मैं गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दूँगी। गर्म पानी में थोड़ी सी हींग डालेंगे। उसके बाद मैंने इसको डिप कर दिया 15-20 मिनट के लिए, और आप चाहे तो एक दिन पहले भी बना सकते हैं। और ये थोड़ी सी मैंने किशमिश भिगो कर अलग रख दी थी। ये दही लिया मैंने, इसमें चीनी डाल ली, उसको अच्छे से विस्कर की हेल्प से फेंट लिया है। अब मैंने इसमें नमक डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली और चाट मसाला डाला है। इसको अच्छे से दही को फेंट लेंगे और थोड़ी सी किशमिश जो मैंने भिगो के रखी थी वो इसमें डाली है। थोड़ी देर बाद किशमिश इसमें बिल्कुल सोक होके फूल जाएगी। अब सारे बड़ों को मैंने निचोड़ के एक प्लेट में निकाल लिया है, और जिस भी आपको सर्विंग डिश में इसको सर्व करना है उसमें आप पहले दही थोड़ा सा डालिए, उसके बाद बड़े जो आपने सोख करके निचोड़ के निकाले हैं वो डालेंगे, ऊपर से गाढ़ा दही और डालेंगे जो हमने दही रेडी किया है इसके लिए। उसके ऊपर से हम इसके ऊपर चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च को छिड़केंगे और चटनी डालेंगे खजूर की, और थोड़ा सा सेव डालेंगे और जो हमने पतासे की पापड़ी ली है वो डाल के इसको। दही बड़े बनकर रेडी हैं। इस तरीके से आप दही बड़े बनाएंगे तो आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।